अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ अर्शिया, योर केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम रियल स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज। आज एटमॉस्फेयर चैप्टर के आज हम एक्सरसाइज करेंगे, वही चैप्टर जो कंटिन्यूएशन में था उसकी एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पे विच गैस हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज इन द एयर, तो अब हमें पता है कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की होती है। अब नेक्स्ट है लोएस्ट टेम्परेचर इन स्ट्रेटोस्फेयर, इस स्ट्रेटोस्फेयर में लोएस्ट टेम्परेचर कितना होता है? -5 डिग्री -55। अब लोएस्ट टेम्परेचर जो होता है वो कितना है? -55 पर होता है, क्योंकि इसमें जो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो कोल्ड होती है, उसमें -55 होता है, जबकि जो अपर होती है वो वार्म हो जाती है, -5 पे चली जाती है। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, बोथ एसओ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड SO2 एंड ओजोन। अब यहाँ पे हमने देखना है कि कौन सी जो है वो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब ज़्यादातर जो एसिड रेन होती है सल्फर डाइऑक्साइड एंड NO2 की वजह से होती है, तो इट्स मीन ये दोनों जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर एसिड रेन। विच इज़ रेडिश ब्राउन गैस, कौन सी रेडिश ब्राउन? अब यहाँ पे NO2 इज़ द रेडिश ब्राउन गैस, मीन्स यहाँ पे जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हैं वो रेडिश ब्राउन होते हैं, तो NO2 जो है वो रेडिश ब्राउन गैस है। ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड होती है 12 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, स्ट्रेटोस्फेयर जो होती है कहाँ तक होती है? स्ट्रेटोस्फेयर तकरीबन ये 50 किलोमीटर अबव होती है स्ट्रेटोस्फेयर। देन ओजोन लेयर किस में फाउंड होती है? ओजोन लेयर इज़ फाउंड इन, इट इज़ फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर। अब यहाँ पे नेक्स्ट है मोस्ट एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय, किससे होती है? ओजोन से होती है, एसिड रेन से होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड या बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। मोस्ट एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। विच लेयर इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ? ऑब्वियसली फर्स्ट लेयर विच इज़ द ट्रोपोस्फेयर, इट इज़ क्लोजेस्ट टू द अर्थ। नेक्स्ट है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमोसफियर इज़, आउटर मोस्ट सबसे एंड जो लेयर है इट इज़ द थर्मोस्फियर। क्वेश्चन आंसर लिस्ट टू मेन सोर्सेज ऑफ एसिड रेन, ऑब्वियसली नाइट्रिक ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड व्हेन इट इज़ कंबाइंड विद वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, व्हेन इट इज़ NO2 इज़ कंबाइंड विद वाटर इट फॉर्म्स नाइट्रिक एसिड्स। लिस्ट फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज विच कॉन्ट्रीब्यूट एयर पोल्यूशन, अब यहाँ पे फॉर एक्टिविटीज़ जो आ जाती हैं इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच कॉन्ट्रीब्यूट एयर पोल्यूशन, इसमें बहुत सारी आ जाती हैं जो आप पेज नंबर 115 पर गिवन है ह्यूमन एक्टिविटीज़ में। अब इसमें बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आ जाते हैं और फैक्ट्रीज आ जाती हैं, इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आ जाते हैं, ओजोन आ जाता है, तो ये सारे के सारे ऐसे हैं जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो सकते हैं, जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। या आप इस टेबल में देख सकते हैं जो कि एयर पोल्यूटेंट्स गिवन है, लेकिन अपने ह्यूमंस की गिवन है तो वो पीछे आपको जो बताएं वो होंगे। वट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, वही स्ट्रेटोस्फेयर के ओजोन की क्या इम्पोर्टेंस है? ये स्ट्रेटोस्फेयर में ही आता है ये क्वेश्चन का आंसर कि स्ट्रेटोस्फेयर क्या करती है, ओजोन क्या करती है? रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज इन टेम्परेचर है, इसके अलावा ये सेफ करती है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इनकमिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, और जब ओजोन इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं सन से तो ये क्या फिल्टर हो जाती हैं और हीट कन्वर्ट जो वार्म कर देती हैं एयर को। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो कि एक फिल्टर कर देता है। इसके बाद व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑटोमोबाइल इन एयर पोल्यूशन, ऑटोमोबाइल इन एयर पोल्यूशन का पूरा ये टॉपिक है, आप लिख सकते हैं एयर पोल्यूशन में। तो ऑटोमोबाइल में जो आ जाते हैं एयर पोल्यूशन में, जैसे लेड कंपाउंड्स होते हैं, उनकी बर्निंग से क्या होता है कि लेड के कंपाउंड मींस जो भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं वहाँ पर जो बर्निंग होती है पेट्रोल की, तो वो क्या कॉज करती है? लेड के कंपाउंड जो कि टॉक्सिक होते हैं फॉर डिफरेंट लेड जो है वो कंपाउंड अफेक्ट करते हैं ब्रेन डेवलपमेंट को इसके अमंग चिल्ड्रन, और इसकी हाई कंसनट्रेशन फैटल भी हो सकती है, जिस तरह से आप लिख सकते हैं ऑटोमोबाइल्स की। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स की जो होती हैं
इसकी इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीज़ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो रही है, तो ये भी ऑटोमोबाइल्स का ही साइड इफ़ेक्ट है। तो आप ये लिख सकते हैं कि रोल ऑफ ऑटोमोबाइल इन एयर पोल्यूशन, इसमें ये सारे आ जाते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर सिंपल क्या होती है कि ये आउटर ये लेयर है, कवरिंग है, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या होता है, इनवेलप ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर्स है जो कि प्लैनेट अर्थ को सराउंड किए हुए होती है। अब एक्सप्लेन टेम्परेचर वेरिएशन इन स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। ये सिंपल उसमें टेम्परेचर वेरिएशन बताई हुई है जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली है। लिस्ट कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर, ये भी उसमें आप लोगों ने पढ़ ली है। स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर के कंपोनेंट्स आपने बताने के किसके कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, जैसे ओजोन है वहाँ पर आपने पढ़ा ओजोन प्रेजेंट है, वो क्या कर रही है टेम्परेचर को राइज करने में हेल्प कर रही है। इसी तरह आप इन दोनों के देखेंगे। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन ये भी सिंपल है, गिवन है पेज 115 पर। एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट ये भी अपने लेक्चर में पढ़ लिया। डिस्क्राइब ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट ये भी पढ़ लिया है। ग्लोबल वार्मिंग ये भी पढ़ लिया है जो कि इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर, इन दोनों को आपने डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर करना है, लेयर करना है। इसके अलावा ह्यूमन वहाँ पर जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं किस तरह रह रहे हैं नहीं है, ये सब आपने यहाँ एक्सप्लेन करना है। ओजोन फॉर्मेशन ये भी सिंपल ओजोन वाले में गिवन है किस तरह से फॉर्मेशन होती है। ग्लोबल वार्मिंग ऑफन रेफर्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो किस तरह वही के अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो जो रेडिएशन एटमोसफेयर पे आ रही है वो वापस नहीं जा रही ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, तो इस वजह से क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। साइंटिफिक एविडेंस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का टू द डिप्लीशन ऑफ ओजोन वायर, तो वो वहाँ पर वही क्लोरोफ्लोरोकार्बन जाते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करते हैं जो कि क्लोरीन को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देते हैं जो नेक्स्ट ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ बहुत रिएक्टिव होते हैं और उनको एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड कॉमन पोल्यूटेंट है फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोल स्ट्रेट टू इफेक्ट कॉल पर। अब सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्या होते हैं कॉमन पोल्यूटेंट है, और जैसे अब हम कहते हैं कि इसके इसमें क्या है कि फ्रॉम बर्निंग स्टेट टू इफेक्ट्स ऑफ कॉल पर, तो अब इसमें ये आ जाए ब्रीथिंग डिफिकल्टीज जो कि ब्रोंकाइटिस लंग कैंसर डिसहाइड्रेशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज कर सकती है। एंड डेंटिंग टैंक है। डायबेंजोथायोफिनोन इज़ अ कॉमन सल्फर कंटेनिंग कंपोनेंट ऑफ कोल, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एलैबोरेट दिस ट्रीटमेंट, अब एलैबोरेट करेंगे आप इसे। इस ये कॉमन सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है, जब ये क्या करेगा जब इसको ये अब उसमें क्या करेगा जब वाटर में इसको डिसॉल्व होगा वाटर के साथ तो सल्फर उसके साथ कंबाइन होकर सल्फ्यूरिक एसिड बना देगी जो कि एटमॉस्फेयर में जाके एसिड रेन कॉज करेगी। अब देयर हैव बीन वेरियस अटेम्प्ट्स टू रिमूव सल्फर फ्रॉम कोल बिफोर इट इज़ बर्न्ड इलस्ट्रेट। अब बहुत सारे ऐसे हैं जो सल्फ़र को कोल से अलग करते हैं, जो आप भी हमें बता सकते हैं कि किस तरह से सल्फ़र और कोल आपस में डिफरेंशिएट हो सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें यही है कि सल्फ़र फ्रॉम कोल, इसमें ये है कि सल्फ़र को जो बर्न किया जाता है सल्फ़र डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है एंड देन वो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में, जबकि जो कोल है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, जब आप लिमिटेड में देते हैं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होती है। तो इस तरह से आप उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन अब काफ़ी सारे इसमें आंसर्स हैं जो कि आप लोगों के नोट्स में गिवन है। एग्जामिन द ऑप्शन, देर आर सम वेज टू रिड्यूस पोल्यूशन कॉज्ड बाई कार्स। कोई ऑटोमोबाइल्स कहा जाता है कि ऑटोमोबाइल्स के थ्रू की बर्निंग वहाँ पर क्या होते हैं उसके अंदर कोल की बर्निंग होती है जिसकी वजह से लिमिटेड होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब उनके बर्निंग की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। और दूसरा ये कि उनमें लेड होते हैं जो कि उनकी बर्निंग की वजह से कंबस्शन से लेड पेट्रोल और फ्यूल से जो कि मोटर व्हीकल में होते हैं वो इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से लेड कंपोनेंट एयर में अफेक्ट करते हैं ब्रेन को। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इनके बर्निंग की वजह से ये गैसेस रिलीज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास
सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ग्रीन हाउस इफेक्ट, आर्ग्यू हुई कि बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है एनवायरनमेंट में और डिफरेंट गैसेज इंक्रीज हो रही हैं, जिसकी वजह से एटमोसफेयर में जो भी कोई आ रही है रेज आ रही है उसके साथ स्ट्राइक करके वो वापस जो है वो रिटर्न बैक नहीं हो रही बल्कि एब्जॉर्ब हो रही हैं इन टू द एटमोसफेयर, जिसकी वजह से सनलाइट, जिसकी वजह से एक तो ये हो रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और दूसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या कर रहे हैं कि जाके ओजोन लेयर को इफेक्ट करें, और ओजोन लेयर क्या हो रही है जब उसको इफेक्ट करें तो उससे डिप्लीशन हो रही है, जिसकी वजह से जो ये यहाँ पर रेज आ रही हैं वो फिल्टर होकर नहीं आ रही और वो बहुत सारे डिजीजेज कॉज कर रही हैं और साथ में वो अर्थ का एटमोसफेयर इंक्रीज करने में हेल्प कर रही हैं। एज अ ग्लोबल सिटीजन हाउ कैन यू प्ले अ पार्ट टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन एट अ पर्सनल लेवल, अब कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं पोल्यूशन को, यही सारी चीज़ें हैं कि आप इसमें कम से कम और ये व्हीकल्स यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट, इसके अलावा जो किस चीज़ की भी आप यूज़ करें लाइक ये ये होते हैं जो प्लास्टिक बैग्स वगैरह होते हैं उनको डिस्पोज इस तरह से रखे जाए उनकी बजाय, बल्कि उसके लिए क्या जाए पेपर बैग्स यूज़ किए जाएँ क्योंकि ये भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का बायस बनते हैं जो कि ओजोन डिप्लीशन में हेल्प करें। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जहाँ से रिलीज हो रही हैं उनका यूज़ कम कर दें, जैसे स्प्रेज हैं, पेंट्स हैं, हेयर स्प्रेज, डिओड्रेंट्स, फ्रेशनर, एयर फ्रेशनर्स, इन सबको अगर कम कर दें तो उससे भी क्या होगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कम प्रोड्यूस होंगे। अब यहाँ पे इन चीज़ों के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर यहाँ पे जाहिर है इनकम्प्लीट बर्निंग होगी तो वो भी हम प्रोड्यूस करेंगे अगर हम उसको कंप्लीट बर्निंग करें, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और जो क्या करेगी हम प्लांट्स यूज़ कर देंगे, प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवाए जाएँ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस को एब्जॉर्ब करें और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करेंगे तो ये भी हेल्प करे होंगे, तो टेम्परेचर जो है वो इस वजह से क्या हो जाएगा नॉर्मल आ जाएगा। और कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर, ये ऑलरेडी आपका क्वेश्चन था। ओके थैंक यू क्लास, होप्स आपको समझ आया हो, आपके जो आप लोगों के लिए होमवर्क है आपने ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।